आपका प्रदेश के नंबर वन चैनल जी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे। मरुधरा का महासमर सज चुका है और लगातार ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। इसी बीच कोटा में कांग्रेस की गारंटी यात्रा शुरू हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे। अशोक गहलोत से सीधी बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है जी मीडिया ने। जी मीडिया आपको वो सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाने जा रहा है। मेरे सहयोगी शशि मोहन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उन्होंने वन टू वन बात की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, जो आपको सुननी चाहिए। सुनिए एक बार। केरल का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त कोटा में गारंटी यात्रा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सीएम साहब, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? 7 तारीख को 7 योजनाओं की आपने शुरुआत की, रोड शो किया, अब दूसरे चरण में किस तरह का रेस्पॉन्स? देखिए, सरकार की साख का सवाल है। सरकार ने जो 5 साल काम किए हैं और 7-10 गारंटी हमने दी थी महंगे राज शिविरों में, वो लागू हमने कर दी। बजट में घोषणा करी वो लागू हम कर रहे हैं। कहीं कॉलेज खोल रही है, कहीं नगर पालिका बन रही है, कहीं तहसील, कहीं उप तहसील, कहीं ADM ऑफिस, और तो 20 जिले बन गए नए। तो लोगों ने कहा कि 5 साल काम हुआ है और ऐसे ऐसे काम के जो देश में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा कहीं पर भी नहीं है, OPS कहीं पे भी नहीं है। तो जो हमने काम किए हैं, कानून पास किए हैं, कानून ऐसे बनाए जो कहीं नहीं है। गिग वर्कर्स का कानून बना दिया हम लोगों ने, मिनिमम इनकम गारंटी का कानून बनाया हम लोगों ने। इसी प्रकार से किसानों के लिए अलग से आयोग बना दिया, एक्ट बना के हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज अध्यक्षता करेंगे, वो तय करेंगे कि हमें क्या फैसला करना है। इनके बारे में कोई जमीन कुड़क नहीं हो सकती बिना उनके सुनवाई के। बहुत क्रांतिकारी कानून पास किए। तो मुझे लगता है कि, और मैं अभी केरला गया था, केरला में सरकार 70 साल से रिपीट नहीं होती थी। एक बार कम्युनिस्ट, एक बार कांग्रेस आती थी। इस बार वहाँ पर सरकार रिपीट हो गई कम्युनिस्ट पार्टी की, सिर्फ इसलिए कि लोगों ने कहा था इस बार तो इन्होंने काम अच्छा किया कोरोना का। तो मैंने कहा कोरोना काम तो हमने जो किया हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो ऐसा, दुनिया के मुल्कों में नाम पहुँच गया उनका, जिनको कहते हैं कि मॉडल, दुनिया भर के अंदर बिरला मॉडल बन गया हमारा, बिरला मॉडल बन गया। डब्ल्यूएचओ ने तारीफ करी और साथ में जो बाकी हमने गारंटी दे रहे हैं, गुड गवर्नेंस दे रहे हैं, नए नए कानून बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ की जनता भी वहाँ से कोई कम समझदार नहीं है, यहाँ भी समझदार लोग हैं। इसलिए मुझे लगता है केरला में रिपीट हो सकती है सरकार तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती है। दूसरा, बीजेपी वाले जो है कोई आरोप लगा नहीं पा रहे हैं, झूठे आरोप लगाते फिरते हैं। हमारी जो योजना है उसकी आलोचना करें, हमारी गारंटी में आलोचना करें, 5 साल में जो काम किया उसकी आलोचना करें, समझ में आए हमें लोगों को, बात ही नहीं करते वो लोग। क्या आपको लगता है कि उनके पास आलोचना करने के मुद्दे नहीं है या विकास पे वो बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तो कन्हैयालाल करौली इन सब मुद्दों को लेके आ जाते हैं और कन्हैयालाल करौली और कोरोना की राशि एक ही है, लेकिन आप कोरोना का मुद्दा पकड़ रहे हैं, वो कन्हैयालाल और करौली का पकड़ रहे हैं। देखिए, कन्हैयालाल की बात तो प्राइम मिनिस्टर खुद ही कर रहे हैं, जो दुर्भाग्य है। उनको नहीं मालूम है कि कन्हैयालाल को मारने वाले लोग बीजेपी के लोग थे, वो उनको मालूम नहीं है। कन्हैयालाल को जो जिन्होंने मारा उनको थाने में अरेस्ट किया 4 दिन पहले, तो वहाँ के बीजेपी नेताओं ने उनको छुड़ाया था। और किस मुझे बात करते हैं, जिस दिन उनका मर्डर हुआ उसके बाद में लोग गए हैदराबाद गए हैं, उस गंभीरता में ली नहीं उसको। मैं गया हूँ वहाँ पर, सब काम छोड़ के टूर प्रोग्राम मैंने कैंसिल किया, उदयपुर पहुँचा मैं, चीफ सेक्रेटरी DGB आए वहाँ पर, विश्वास दिलाया परिवार को, 2 घंटे में पकड़ लिया हमने मुलजिमों को, NIA ने केस ले लिया। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं वो कर ले, क्योंकि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय एंगल कोई हो, पर आज अगर पुलिस SOG करती तो हम बताने की स्थिति में होते भी कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जो उन्होंने कन्हैयालाल का मुद्दा पकड़ा है वो उनके ही गले की हड्डी बनेगा, क्योंकि उनके पास में जब मारने वाले उनके साथ सहानुभूति रखने वाले लोग थे, तो आप सोच सकते हो क्या ब्लेम करें। इसीलिए ये डिफेंस में आ गए थे घटना के बाद में। अगर ये बीजेपी समर्थित नहीं लोग नहीं होते तो कई ये हल्ला करते, लोग चुप क्यों हो गए? लोग
सीएम साहब, पूरे स्टेट से क्या फीडबैक आ रहा है आपके पास में? हालांकि कोटा की जिन तीन सीटों पर रोड शो है, वो उनमें से दो तो रामगंज मंडी और कोटा दक्षिण तो डी कैटेगरी की रही है। परिसीमन के बाद से नए स्वरूप में कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई है। इस बार आपने युवा चेहरे को मौका दिया है, महेंद्र राजौरिया को वहाँ से, यहाँ से राखी गौतम को मौका दिया है। ये सीटें लगातार 2008 से हारी हैं कांग्रेस पार्टी। अभी क्या स्थिति है और पूरे स्टेट का क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, अभी इस बार में इम्प्रूवमेंट लगता कि हमारी सीटें लंबे अरसे में जीत पा रहे हैं, तो लगता है इस बार हम लोग जीत सकते हैं। कोई फीडबैक कोई सीटों का पूरे स्टेट से? अभी तो कल तक दीपावली थी, अब आगे की कैंपेन शुरू होगा तब मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है। प्रचार चढ़ेगा और तेज? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि प्रचार और तेज चढ़ेगा। अभी दीपावली के त्यौहार के बाद में नेता और कार्यकर्ता फील्ड में वापस सक्रिय हो रहे हैं। इन सीटों में जहां कोटा की तीन सीटों पर आज रोड शो है, उनमें से दो कांग्रेस पार्टी 2008 के बाद से नहीं जीत पाई है, लेकिन वहां भी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद सीएम अशोक गहलोत जता रहे हैं। और उनके साथ में आप देख सकते हैं कि इस बस में मंत्री शांति धारीवाल हैं, राखी गौतम जो कोटा दक्षिण से प्रत्याशी हैं, त्यागी जी यहाँ से यूआईटी के अध्यक्ष रहे हैं वो हैं, सुखजिंदर रंधावा मौजूद हैं और महेंद्र राजौरिया भी थोड़ी देर में यहाँ पर मौजूद थे। और अलग अलग समय पे जो नेता आ रहे हैं और बस में चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, कहीं पर रोड शो के साथ चल रहे हैं और कहीं पर बस में चल रहे हैं। और ये गारंटी का संवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में उनकी अगुवाई में काफिला लगातार चलता जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, कोटा।